धरती एक ऐसा प्लेनेट जो कि बना हुआ है 7 कॉन्टिनेंट से, लेकिन इन 7 कॉन्टिनेंट को मिला दें तो लगभग 195 से ज्यादा इसमें देश है, यानी पूरी दुनिया के पास हाल फिलहाल में लाखों की तादाद में वेपन मौजूद है। लेकिन इन सब वेपन्स में भी सबसे खतरनाक वेपन होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। और अगर गूगल सही है तो दुनिया के पास लगभग 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अभी एक्टिव मौजूद है, और जिस कदर आजकल कोई भी दो देश आपस में भिड़ने को तैयार है, हमें जानना चाहिए अभी दुनिया का सबसे तगड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कौन सा है। एक ऐसा बॉम्ब जो कि पूरी दुनिया की रूह कपा सकता है। दोस्तों गेस व्हाट एयर, वैसे तो आपने दुनिया में काफी टाइप के बॉम्ब के बारे में सुना ही होगा और काफी ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि बॉम्ब को कैरी करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब की, यानी सार बॉम्बा। रशिया के द्वारा बनाया गया ये बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये वेनिया नाम से भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों सार बॉम्बा कितना तगड़ा है, क्या हमें इससे डरना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाने तो ही हमें समझ आ जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इंसानों ने अभी तक जितने भी मैनमेड एक्सप्लोजन को विटनेस किया है उनमें इसका नाम सबसे ऊपर है। जब साइंटिस्टों ने पता करने की कोशिश की कि सार बॉम्बा से कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो उन्हें पता लगा लगभग 57 मेगा टन्स, यानी 57 मिलियन टन्स ऑफ टीएनटी के जितना। लेकिन जितना बड़ा ये बॉम्ब है और जितना बड़ा इसका एक्सप्लोजन है उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसीलिए नहीं कि इसका धमाका काफी छोटा हुआ, बल्कि इस वजह से इसका धमाका तो काफी बड़ा हुआ लेकिन इसको कैरी करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और चलो मान लेते हैं आज के टाइम पे ये थोड़ा बहुत काम का हो सकता है, लेकिन 1961 में ये बिल्कुल भी काम का नहीं था, क्योंकि इसको जब बना दिया गया था उसके बाद ट्रिपल एफ EU-95V बॉम्बा को भी मॉडिफाई करना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल कैपेसिटी काफी कम हो गई थी केवल इस 27 टन के इस मॉन्स्टर को ले जाने के लिए। इस बॉम्ब की लेंथ है लगभग 27 फीट और इसका डायमीटर है लगभग 7 फीट। सार बॉम्बों को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि ये लगभग 100 मेगाटन बॉम्ब को कैरी कर सके, लेकिन एक्चुअल में ये कैरी करता है केवल 55 मेगाटन। अगर सार बॉम्बों की बात की जाए तो इसके अंदर लगभग 3 स्टेज में हाइड्रोजन बॉम्बिंग होती है। पहले नंबर पे होती है थर्मोन्यूक्लियर इफेक्ट जो कि काफी कम होता है, दूसरे नंबर पे होता है थर्मोन्यूक्लियर चार्ज जो कि काफी बड़ा होता है, और तीसरे नंबर की जो स्टेज पे इसका काम होता है वो भी काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 100 मेगाटन से भी ज्यादा की जा सकती थी, लेकिन फिर इन्होंने कुछ चीज सोची और फाइनली इन्होंने इसके अंदर एक और ऐसी लेयर बना दी गई जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करती थी, और ये काफी तगड़ी थिक लेयर इस वजह से बनाई गई थी ताकि जो इसके फिजाइल मटेरियल है वो इधर उधर स्प्लिट ना हो जाए और इस बॉम्ब के अंदर कोई रेडियो एक्टिव फॉल आउट ना हो जाए। इस वजह से इसके तीसरे स्टेज पे एक लेड का टेम्पर लगाया गया और इस लेड के ढक्कन के अंदर है यूरेनियम टेम्पर, और यूरेनियम के बारे में तो आप जानते ही है, एक ऐसी चीज जो कि काफी तेजी से रिएक्ट करती है, यानी यूरेनियम 238। और इस वाले केस के अंदर न्यूक्लियर फिजन होनी थी जिस वजह से ये यूरेनियम के एटम काफी तेजी से एक दूसरे से फिज करने के बाद जो चार्ज न्यूट्रॉन है उसको एक दूसरे से इधर उधर करते रहते थे। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, ये जो लेड का ढक्कन है इस वजह से इसके न्यूक्लियर फिजन की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती थी, और 97% यूरेनियम स्ट्रेंथ होने की वजह से ये बॉम्ब काफी क्लीन है और साथ ही साथ काफी इको फ्रेंडली है, और इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो कम है ही लेकिन ये जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी है ये भी काफी कम करता है। इस वाले केस में स्ट्रेंथ से कम परफॉर्म करना बिल्कुल भी एक ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बॉम्बर कोई भी लोकेशन के ऊपर इस बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो उसके बाद उसको भागने के लिए टाइम भी चाहिए रहेगा, और इस बॉम्ब की वजह से वो टाइम इसको मिल जाता है। लेकिन जब पहली बार इसका ट्रायल किया गया तो उस टाइम ये 4 किलोमीटर ऊंचाई तक फूटा था और इसके फूटने से काफी बड़ा मशरूम क्लाउड बन गया था, जो कि अगर आप स्पेस में यानी ऑर्बिट में भी होते अर्थ के तो भी वहां से देख सकते थे। और अगर इस बॉम्ब के आसपास कोई भी 62 माइल्स की रेंज के अंदर रहता तो वो थर्ड डिग्री बर्न के लिए तैयार हो जाता। लेकिन सार बॉम्बर के बारे में बात की जाए तो अमेरिका या फिर कोई भी देश इससे डरता नहीं है। वैसे इसका पर्पस डराने का ही हो सकता था, क्योंकि इसको उठा के ड्रॉप करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके वेट की वजह से और साथ ही साथ इसके साइज की वजह से। ऊपर से एक 100 यानी 100 मेगाटन का एक अगर सार बॉम्बर है वो 10 मेगाटन के बॉम्ब से केवल 10 ज्यादा डैमेज करता है, 10 ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन डैमेज केवल 10 के जितना भी नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा है। वेल, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीआईपी नंबर गाड़ी गयो तुम्मा जावे छाती रह रे हिट मारे बेसाले गली तेरी आती रह थोड़ा फिट चाबी गया मैं थोड़ा यड़े पाती रेडी फॉर